हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा 2-3 दिन का मिला जुला वीडियो है। एक्चुअली मेरे घर में फंक्शन था तो बस उसी का एंजॉय है। मुझे यहाँ पे मॉर्निंग में स्कूल जाना था, फिर था हम लोगों के मतलब जनेऊ था, घर में ही था कज़न ब्रदर का, तो उसमें जाना था। लेकिन मेरा स्कूल था मॉर्निंग में, तो मैं ये सबके लिए पोहे बना के जा रही थी। और इधर आजकल मैं डाइटिंग पे थोड़ा चल रही हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। और सबको खाने जाना था वहाँ पे, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे पोहा बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का खाना पीना वही हो रहा था। बट मॉर्निंग में जाना था स्कूल मुझे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ढेर सारा वेजिटेबल डाल करके जो है पोहा बनाया था। बहुत ही टेस्टी यम्मी सब बना था। इसमें मैंने देखा अपने की राई और गार्लिक का भी यूज किया था मैंने। कट करके अगर आप गार्लिक डालते हो ना, बड़ा टेस्टी होता है। उसके अलावा आप जितनी सब्जियां आप जितनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा पोहा बहुत ही मिक्स वेजिटेबल वाला बन करके तैयार हो गया था, यम्मी सा टेस्टी सा, जो कि मैं लंच में लेकर के जाने वाली थी और थोड़ा बहुत घर पे रखा था। और यहाँ पे जो है हम लोगों को एक्चुअली जनेऊ था तो वहाँ जाना था ना, तो 2-3 दिन का मिक्स वीडियो था। मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रही थी, घर में गेस्ट भी थे बहुत, मम्मी पापा लोग भी आए थे, पूजा लोग भी थी, तो काम धंधा इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि उस समय वीडियो किसी के सामने बनाते रहना, सब काम छोड़ छाड़ के, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने कुछ खास वीडियो बनाया नहीं था, बस छोटे छोटे क्लिप्स थे जो कि मैं यहाँ वहाँ के मिला करके डाल दूँगी। और यहाँ पे अपने लिए मैं लंच लेकर के जा रही थी पोहा लंच में, और बाकी रेस्ट घर में रख दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, हल्दी था, सगनौती बोलते हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों का कासा बुझाया जाता है, तो सारे लोग थे वो लोग ये सब कर रहे थे। गर्मी इतनी थी ना कि मन नहीं कर रहा था पहले जाने का, तो जस्ट गए तब तक हो चुका था शाम के टाइम में। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाली साड़ियाँ पहनी थी, हल्दी मेहंदी टाइप्स का चीज़ होता है। और कुछ इस तरह जब मैंने अपना बेटा का वीडियो डाला हुआ था ना, उसका जनेऊ का, तो आप उसमें चाहे तो पूरा प्रोसेस देख सकते, उसमें मैंने पूरा डिटेल में डाला था सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ये सारे लोग मेरे रिलेटिव हैं, सारे जानने वाले हैं, तो यहाँ पे वही लोग हैं। करके बनना और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट। ये जो चुनरी आई है बेइज्जती कर दे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अरे पिछले 1 घंटा से जो हमको किलकिलवा रही है, चल चल कर रही है, और अपने कभी ये ढूंढती है कभी वो ढूंढती है। के बार सटा अब फोन में लग गई जोर जोर जोर, मेरा जूता चुरा ही है, दौड़ के अपने पास और जूता है, मैं पहन लूंगा। स्कूटी तो चाबी के ले तो कितना टांग लो तू ले, अब देख पा रहे कितना झरक है। हाँ ल हेलो हेलो गाइस, अबरी
अरे वो झोला भूल गई है, थैला वो लाने गई। और हम लोग आए थे यहाँ पे गूगल पे करेंगे। यहाँ पे पूजा मेरी चोटियाँ बना रही है, मुझे स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही है। मैं स्कूल जाने वाली हूँ ना, अच्छे लिए पूजा बोली आज तुम्हारा दो चोटी कर देंगे। और अगर हम इस दो चोटी में अच्छे नहीं लगे पूजा, तुम्हारी तरह नहीं लगे बेटी, आज अच्छी लग रही है ना, तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे इसके तरह होना चाहिए थोड़ा सा। मैं इसकी बड़ी बहन है ना, तो थोड़ा सा तो ये ठीक है हेयर स्टाइल। शुक्रिया। मैंने यहाँ क्लिप्स रखा था कि गिरी गहरी गिरे नहीं बाद क्लिप नहीं पाएगी। मम्मी रहना ना बचपन कितना सुंदर बाल बांधती है। लास्ट टाइम पिछला साल बाल नल बजा याद चित्र थे, मैं जून में वह जगह गई थी धर्मशाला। धर्मशाला में मैंने तुम्हारे बाल बनाए थे, तुम सुंदर लगती थी। और उसका उससे भी ज़्यादा सुंदर और मैं उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। छोड़ ना, तब दुष्ट छे। और मेरे बर्थडे के स्पेशल में मुझे मिला है ये गिल्लू की तरफ से। किसके तरफ से? सोफा पे जाके मैं हो रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगे, सोफा पे नहीं जाओगी, यहीं रहोगे, समझा? और यहाँ मेरा बर्थडे का तैयारी हो रहा है, हम लोग सब कुछ तोड़ रहे हैं। और ये देखो यहाँ भाई क्या कर रहा है, और देखो यहाँ भाई गंदी चीजें कर रहा है। भाई देखो मिठाई खोल रहा है, क्या मिठाई मेरे लिए लाया है। और देखो भाई यहाँ मुझे मार रहा है। हेलो गाइस, आज हम दोनों का बर्थडे है। बोलो। नहीं मेरा नहीं बर्थडे है। तो किसका है? हम दोनों ने देखिए हम दोनों बनवासी कर रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं खाली। और हम लोग बनवासी कर रहे हैं खाली, हम लोग मोबाइल देख रहे हैं दिन रात, और हम लोग केक काट रहे हैं दिन रात, और हम लोग सो नहीं रहे हैं, और हम लोग सिर्फ टेंट बना रहे हैं, सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं, और थप्पड़ मरवा रहे हैं। और ठीक है भाई, ये मिठाई। और एक्चुअली उस दिन मेरा बर्थडे भी था, ये 22 मई का है, मंडे का। और मेरे लिए 1K का केक आया था। 1K का केक क्यों आया था मेरे लिए, ये मतलब सबको लग रहा है कि मैं 1000 साल की हो गई हूँ, इसलिए मुझे मेरे लिए 1K का केक आया था। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, लोग मिलियंस के डालते हैं, और मैं जो है यहाँ पे 1K पे सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअली मेरा बर्थडे था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बर्थडे का छोटा सा पार्टी हम लोग फैमिली में बैठ करके कर रहे थे। तो किट्टू ने ही सारा प्रोग्राम, किट्टू और पूजा ने ये केक मंगवाया था, किट्टू लेके आया था, तो सारे लोगों ने मिलजुल करके, हस्बैंड मिठाइयाँ और फ्लावर लेके आए थे, तो सारे लोगों ने मिलजुल करके हमें केक कट करे थे। इतना ज़ोर से मैंने कैंडल फूका था कि ये जो बर्थडे वाला ये है तो वो गिर गया। और गिल्लू जो था ना, कब से वो के और रेड कलर का था ना 1K लिखा, उसको खाने के लिए वो परेशान था। सबसे पहले उसने उसको टेस्ट किया, और उसके अलावा वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है, केक वगैरह उसे पसंद ही नहीं है। तो हम लोगों ने खाना पीना खा के इस पार्टी उटी से आ करके जो है ना, पार्टी का वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि म्यूजिक लाउड था ना, तो वहाँ पे वीडियो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ खाना पीना मतलब खाने के बाद मैंने केक कट किया, तो एक डिज़र्ट के तौर पर हम लोगों ने ये केक मिठाइयाँ और सारी चीज़ें जो है
इंजॉय की थी रात के 10 से 11 बजे। यहाँ पे जब हम लोग के घर में एक्स्ट्रा लोग हो जाते हैं तो हम लोग नीचे इस तरीके से बिछाते हैं, क्योंकि एसी वाले रूम में सबको सोना रहता है इतनी गर्मी में। बड़ा मज़ा आता है ना इस तरीके से।